हेलो भाई, स्वागत है आप सबको मेरे और एक सोलो वर्सेस स्क्वाड नए वीडियो में। मैं उतरा हूँ क्लॉक टावर के गन के ऊपर, लेकिन ये भी मेरे साथ साथ कूदा है। अब मैं क्या लगता है कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाएगा, लेकिन रुको 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 रुको, होल्ड ऑन, मैं हार का मानने वाला हूँ। देखो अभी कैसे इसको बैंड बजाता हूँ, सिर्फ देखते जाओ। सबसे पहले मेरे को एक अच्छा वाला शॉर्ट रेंज का गन ढूंढना पड़ेगा। मिला भी क्या मिला, फार्मास मिला। चलो इसका एमओ मिल गया, मैं इधर ही सीढ़ी के पास खड़ा हो जाऊंगा, जैसे आएगा अभी आराम से मार सकता हूँ। चलो मेडिकेट मार लेता हूँ मैं। फिर भी ना अंदर एक डर है, अगर उसको शॉर्ट गन मिल गया तो मैं इस गन से तो मार नहीं पाऊंगा ना। चलो मेरे को शॉट गन ढूंढना है, वही वाला बंदा इसके पीछे बैठा है। चलो नॉक है, अभी अपडेट के बाद देखो नॉक होने से मेरे को कैसा किस तरह दिखाता है। पहला अलग टाइप का दिखाता था ना कि बंदा नॉक है, उसके इमोजी आ जाता था ना, तो अभी इस तरह दिखाता है। ये शायद मैं हाई अल्ट्रा ग्राफिक में खेलता हूँ इसलिए शायद दिखाता है। तो तुम लोगों को किस तरह दिखाता है बंदा नॉक करने के बाद मेरे को कॉमेंट में बताना, पहले जैसा ही दिखाता है या मेरे इधर अभी जैसा दिखा वैसा दिखा रहा है। बोलना मत, कॉमेंट करना। डायमंड 2 डायमंड 3 में ऐसे सोलोवर से स्कॉट खेलने का कोई मजा नहीं है, क्योंकि क्लॉक टावर पिक पे ऐसे सेंटर में ज्यादा बंदे नहीं उतरते, दो चार बंदे उतरते हैं, फिर फाइट होते हैं, फिर भाग जाते हैं रिवाइव देने के लिए। अभी देखो पूरा क्लॉक टावर खाली होगा, अब मैं किसको मारूं, भाग के मेरे को फैक्ट्री की ओर जाना पड़ेगा। मैं हमेशा क्लॉक टावर पे उतर के फैक्ट्री की ओर ही जाता हूं हमेशा। फैक्ट्री भी पूरा घूम ले, एक भी बंदा नहीं दिखा, अभी इधर दिखा मेरे को बंदा, शॉर्टकट ट्राई करते हमें। जब तक प्रॉपर अटैचमेंट नहीं लग जाता ना, तब तक हेड उतना जल्दी नहीं लगता। लेवल 3 का ग्रिप, लेवल 3 का स्टॉक, मजल तो तुम्हारा वो काम करता है, अपना जो डैमेज होता है वो इंक्रीज करता है। अभी इधर से भी एक झाक रहा है, इसको मरने की बहुत जल्दी है। वो और एक बंदा है, दो बंदा है टोटल। मेडिकेट भी मारना पड़ेगा, क्योंकि दो एक साथ मरेगा तो फिर मेरा बहुत डैमेज होगा। एक बंदा झाड़ी बन के आ रहा है, देखो इसको मैं किस तरह मारता हूँ ग्रेनेड से। तुम्हारे भी सामने अगर कोई झाड़ी बन के आया तो ग्रेनेड है तो ग्रेनेड डाल दो, और अगर लैंडमाइन है तो लैंडमाइन लगा दो। देखा झाड़ी बन के आ रहे थे, मैंने ग्रेनेड डाल दिया और वो मर गया। इसको पूरा खत्म कर देता हूँ, नहीं तो इसका टीम आएगा और आके रिवाइव दे देगा, क्योंकि मैं उसको मारने जा रहा हूँ ना। अभी उसको और एक बंदा इधर ही तो भाग रहा था, सबसे पहले तो इसी को डैमेज दिया था। ये बंदा किधर गया, घर के ऊपर हो सकता है, क्योंकि वो बंदा भाग के घर की ओर ही आ रहा था, तो घर के ऊपर तो नहीं है। ऐसे बंदे बहुत चालू होते हैं, कोने कोने में खड़ा रहता है। मैं इधर हूँ, किधर भाग रहा है, मेरे को आके मारना। 110 का हेड लगा उसको, अब रश कर दो तो मार सकता हूँ, लेकिन डेंजर देखो यार, डेंजर को अभी गिरना था। उसको तो मैं मार सकता हूँ, लेकिन डेंजर मेरे को मार देगा। डेंजर खत्म हो गया, चलो अभी जाके मारूंगा, जल्दी जाना पड़ेगा नहीं तो छुप जाएगा। बंदा इधर ही है, वो मेरे नाने आ रहा था, और अच्छा है शॉट। बहुत घूमने के बाद अभी इधर एक दो तीन बंदा दिखा था, अभी टोटल हुआ 4 किल। अब कब बंदा दिखेगा पता नहीं। पोची नॉक से सीधा मैं पिक पे आया, पिक पे आके बहुत घूमा, बंदा नहीं दिखा। अभी इधर फाइट हो रहा था तो इधर आया मैं, इधर एक स्पॉट है, स्पॉट में से एक मैंने पूरा उठा दिया, और एक बहुत मैं अभी रश कर सकता हूँ मैं, और इधर एक ग्लो लगा के आ गया, देखो कितना पास। तो एक चीज नोटिस किया हो, शॉटगन अपडेट के पहले जैसा था, अपडेट के बाद वैसा नहीं है। इधर मेरे को थोड़ा होशियारी के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि इधर एक स्क्वाड पूरा है। तो मेरे पत्थर है, पत्थर फेंक दूंगा सिर के ऊपर, सिर फूट जाएगा। मैं 2 पत्थर फेंक दिया, अभी देखते क्या होता है। और ये एक पत्थर से एक बंदा डाउन, पत्थरबाजी मेरे से सीख लो, आलू कैसे फेंकते मेरे से सीखो। और एक आलू फेंक रहा हूँ, देखो एनिमी देखो क्या दिमाग लगा रहा है, व्हाइट वाला फेंक रहा है, पत्थर डाल रहा है। मेरे को थोड़ा दूर भागना पड़ेगा, पत्थरबाजी खेलेगा मेरे साथ, कोई टेंशन नहीं। अभी भी 3 ग्लोवाल है, अभी गन से मारना पड़ेगा। ग्रेनेड तो बहुत डाल रहे हैं, नॉक को मार देते हैं, उसको रिवर्स दे देते हैं। मेरे को थोड़ा होशियार के साथ मैच प्ले करना पड़ेगा, रश कर देता हूँ, टाइम लगा के ग्रेनेड डाल देगा तो अभी नहीं जाऊंगा। इस तरफ से एक है, दोनों दो तरफ है, अभी लगता है मेरा टाइम आ गया। मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा बुया करने का, तुम लोग सिर्फ देखते जाओ। घबराहट सिर्फ इस बात की है क्योंकि मेरे पास ग्लोवाल नहीं है। चलो अभी मौका मिला तो मेडिकेट मार लेता हूँ। देखा तुम लोगों ने कैसे चकमा दे दिया दो बंदों को, देखा भी नहीं मैं किधर था, ग्लो लगा के किधर चला गया। वो दोनों देखो मेरे पीछे पीछे ऊपर की ओर जा रहा है, अभी मैं जाऊंगा नीचे। ओ ग्लू मिल गया, मजा आ गया भाई। अभी मेरा छाती चौड़ा हो गया, नहीं छाती तो फीमेल का होता है, मैं मेल हूँ तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। फीमेल का नहीं, टिकटॉकर का छाती होता है, जो बाद में प्लेयर को उसको बदला। और पीछे से भी मार दे, कितना सारा डैमेज हो गया। मैं मेरा हेल्थ देखो यार 10%, और ये बंदा पीछे था मैं देखा भी नहीं, मेरे को लगा 2 बंदे ऊपर है। भाई यार थोड़ा तो गैप दे, थोड़ा बाद में मेडिकेट तो मारने दे। अबे यार राइस पता नहीं क्या होगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसको पूरा मारने का। चलो मर गया राइस। यार इस बात के लिए तो लाइक तो बनता ही है। और उधर मैंने क्या हेडशॉट मारा M1887 से, उसके लिए OP हेडशॉट लिखो कमेंट में, कमेंट दिखना चाहिए बस। और अभी मेरे को जोन के साथ रिस्क नहीं लेना। अच्छा हुआ था कि नीचे मेरे को 3 ग्लोवाल मिला था, अगर 3 ग्लोवाल नहीं मिलता ना तो मैं इधर ही लुटक जाता। उनसे निकल कर पोची नॉक की तरफ जा रहा हूँ, कि इधर मेरे को बंदा दिखा था, और बंदा है सामने देखो, कोई आदमी है मेरा, और किसी बढ़ाना है मेरे को, चारों ओर बंदा है ना, इसलिए इसको खत्म करना जरूरी था, क्योंकि मेरा किल ले लेता ना। अभी सामने जाता हूँ, सामने भी बंदा है। ड्रॉप में से मैंने ड्रैगन ऑफ उठा लिया, और अभी इस घर के ऊपर बंदा है, लेन में लगा दिया, भाग के आएगा तो मरेगा। और इधर 2 बंदा है, जो नीचे कूदा वो तो बहुत डैमेज है। चलो ये नॉक है, इसको खत्म कर देता हूँ। अब
जो भागा उसको मारूंगा मैं, वो तो आ भी नहीं रहा। चलो मैं ही ढूंढ के देखता हूँ कहाँ पर है, और देखो किधर खड़ा है बंदा। अभी मैं ऊपर एक बंदे को मारा, लोकेशन नहीं देगा क्या? बहुत बंदे, होशियार के साथ खेलना पड़ेगा। इस तरफ से मारूंगा, वो इधर भी दो बंदे हैं। और गाइस यहाँ पर भी मैंने सबको ख़त्म कर दिया, तो लाइक कर दो यार। देखो किस तरह स्क्वाड को मार रहा हूँ, तुम लोग लाइक कर दो। लाइक नहीं करते तुम लोग? सामने भी एक बंदा है, देखो ड्रैगन अब कब काम आएगा। टोटल हो चुका है 13 किल। अब भूया का कंफर्म नहीं है क्योंकि मेरे पास गुलवाल नहीं है, मेरे को मेडिकेट मारना पड़ेगा। इसको लूट करने जाओ तो जोन भी आ रहा है, मेडिकेट मारते मारते तो जोन कवर हो जाएगा पूरा। अब मैं जाऊंगा तो रिक्स होगा ना। अब मैं ग्लू लेने के लिए भी नहीं जा सकता, इसके पास देखता हूँ। इसके पास भी ग्लूवाल नहीं है, क्या करो यार। कोशिश करता हूँ भुया का, देखता हूँ क्या होता। ग्लूवाल के बिना कैसे होगा यार, ग्लू तो चाहिए थे। क्रोनो भी चार्ज नहीं है, क्या करो। ऊपर एक बॉक्स है, चलो इसको लूट करके देखता हूँ ग्लू मिल जाए। इसमें ग्लू होगा तो ग्लू भी नहीं है। बंदे मार रहे हैं यार, मर जाऊंगा खामा खा। जल्दी से कवर में जाना पड़ेगा। ग्लू लाने गया था, हेल्थ घटा के आया मैं। मेरे को ग्लूवाल चाहिए चाहिए, मेरे को जोन के अंदर जाके ही ग्लूवाल लाना पड़ेगा, क्योंकि ग्लू नहीं होगा तो बहुत ही मुश्किल है भुया का। देख रहे हो जैसे बाहर गया मारती है, लगातार चारों ओर से मारने लगा था। चलो ग्लू मिल गया, अब जल्दी से भागना पड़ेगा यार, बहुत है, बहुत घट रहा है मेरा हेल्थ। अभी थोड़ा चांस है भुया का, 5 बंदे है, मतलब एक स्क्वाड है, मैं अकेला हूँ। चलो कोशिश करते हैं, अभी ग्लू भी है, 4 ग्लूवाल है, क्रोनो भी आ जाएगा। अब गारंटी नहीं है, फिर भी मैं पूरा कोशिश करूंगा भुया करने का। 3 ग्लूवाल है, 3 ग्लू के अंदर मैच को खत्म करना पड़ेगा। 3 ग्लू का एक तो मैंने यूज कर दिया और 2 ही बच्चा है। उधर भी बंदा बंदा बच्चा है मेरे को छोड़ के, 3 बंदा बच्चा है। मैं इसको खत्म कर देता हूँ, इसको खत्म करने के बाद और 2 बंदा रहेगा। चलो गाइस ये भी डाउन हो गया, और 2 ही बंदा बचा है जो कि ऊपर है। इसको बहुत टांटे कर रहे हैं, वो डैमेज बहुत हो गया, मैं वो मेरा किल ले लेगा। इसको खत्म कर देता हूँ, खत्म करके ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाके 14 किल के साथ डिफीट। तो इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना मत बोलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो, सपोर्ट करो यार। और इस टाइप के बहुत सी वीडियो है मेरे चैनल पे, वो देख लो। मैं नया वीडियो लेके लौट